जनपद पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक के रोली गांव में देर रात बादल फटने से भारी नुकसान होने का अनुमान है। देर रात तेज बारिश व आकाशीय बिजली के साथ 11-12 बजे के बीच थलीसैंण ब्लॉक के रोली गांव के 120 परिवारों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। थलीसैंण तहसील प्रशासन ने जानकारी की, देर रात गांव के ऊपर पहाड़ी में बादल फटने से गांव के दोनों ओर बरसाती नाले ने रौद्र रूप ले लिया, जिसमें गांव के पशुपालक चंदन सिंह पुत्र इंद्र सिंह की गौशाला के अंदर से 11 बकरी व 2 बैल नाले में बह गए हैं। वहीं 2 मकानों को भारी क्षति हुई है। क्षतिग्रस्त भवनों से दोनों परिवारों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं रोली गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग 2 जगहों से 15-15 मीटर बह गया, जिसके चलते गांव का संपर्क भी कट गया है। सड़क पर बने पुल भी देर रात आपदा में बह गया है। थलीसैंण पीरसैंण मोटर मार्ग 6 डाट पुलिया बहने से मार्ग बाधित बना हुआ है। थलीसैंण पीरसैंण मोटर पर डाट पुलिया बहने से सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। तहसीलदार आनंद पाल ने जानकारी दी कि रोली गांव में सड़क मार्ग बनाने के लिए जेसीबी मशीन मौके पर भेज दी गई है। वहीं तहसील प्रशासन की टीम रोली गांव पहुंचकर आपदा का मुआयना किया जा रहा है।